जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित प्रकाश जोशी और स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में आपका। और मित्रों, आपको पूजा पाठ से रिलेटेड, ज्योतिष से संबंधित कोई भी घटना के बारे में बिल्कुल अच्छी और ज्ञानवर्धक सूचना चाहिए तो मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन को ज़रूर दबा दें। और आज हम चर्चा कर रहे हैं 5 अगस्त 2019 में एक महान त्यौहार आ रहा है जिसे नाग पंचमी कहा जाता है। तो नाग पंचमी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नाग पंचमी का क्या महत्व है, नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, किस लिए हमें मनाना चाहिए और नाग पंचमी में रिसर्च के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहले नाग पंचमी में महत्व के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, नाग पंचमी यानी नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। यानी कि जिस प्रकार इस नाग पंचमी का महत्व है कृष्ण भगवान और काली नाग द्वारा इसमें महत्व रखा जाता है। जैसे कि कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को उसकी दुर्गति से मोक्ष प्रदान किया है, उसी प्रकार से आप भी अपने जीवन के कष्ट या कोई भी दुख संताप हानि से आप श्रावण मास में नाग पंचमी का पर्व मना के या उपाय करके उससे भी आप मुक्ति पा सकते हैं। जिस प्रकार कालिया नाग को कृष्ण भगवान ने मोक्ष दिया था उसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। तो अब ये बात कर लेते हैं कि नाग पंचमी का महत्व हमने बताया। अब नाग पंचमी क्यों मनाएं आप लोग, सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत से युवा मेरे चैनल से जुड़े हैं, वो कहेंगे जी क्यों मनाएं हम, ठीक है जी। देखिए, कुंडली को अगर यदि आप मानते हैं, क्यों का जवाब जन्म कुंडली में छुपा है। यदि आप कुंडली को मानते हैं तो उसके अंदर एक योग बनता है, उसे कहते हैं काल सर्प दोष। ज़्यादातर उसी ही की ही पूजा नाग पंचमी के दिन की जाती है, ये आप लोगों को मालूम है। लेकिन रिसर्च के डाटा ये बोलता है कि सिर्फ उसी की पूजा ही नहीं की जा सकती। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष बन रहा है तो भी आप नाग पंचमी के दिन आप पूजा कर सकते हैं। गुरु चंडाल दोष बन रहा है, गुरु के साथ यानी कि राहु आपकी कुंडली में बैठा है, तो आप उस दिन जरूर पूजा करें क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक होता है। और ऐसे में क्या होता है, जातक बहुत ज्ञानवान भी होता है लेकिन राहु होने से उसके ज्ञान को सही प्रकाश नहीं मिल पाता, सही ऊंचाई नहीं मिल पाती है जिनकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष बना हुआ है या ग्रहण दोष बना हुआ है कुंडली में। ग्रहण दोष क्या होता है मित्रों, सूर्य के साथ में ऐसी स्थिति हो जाना कि सूर्य के साथ में या तो राहु का होना या चंद्रमा के साथ में राहु का होना ग्रहण दोष कहलाता है। अगर आपकी कुंडली है तो आप इस नाग पंचमी में पूजा पाठ, सरल पूजा पाठ करके भी उस दोष को ख़त्म कर सकते हैं। अब मेन मुख्य उस पर आ जाते हैं कि काल सर्प दोष, कि काल सर्प दोष या गुरु चंडाल दोष और तमाम तरीके के ग्रहण दोष का प्रभाव क्या होता है, पहला ये चीज़। देखिए, कोई भी दोष आपकी कुंडली में बना हो मित्रों, उसके तीन ही प्रभाव होते हैं। पहला क्या होता है कि वो आपकी उन्नति को बाधक करता है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें उन्नति उस प्रकार से नहीं होती जिस प्रकार से आपको मिलनी चाहिए। यानी कि आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो आपको 5 या 10% ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, परसेंटेज पर हम बात कर लेते हैं, पहली चीज़ ये। दूसरा चीज़, आपको धोखा बहुत मिलेगा। आपने कोई कॉन्सेप्ट या कोई चीज़ आइडिया किसी को बताया, उसने तुरंत हथिया लिया, या आपने मित्रों अपने मन की बात बताई और आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो दूसरे व्यक्ति ने हमारा फ़ायदा उठा लिया। ये धोखा हर किसी को नहीं मिलता है, धोखा उन्हीं लोगों को ज़्यादा मिलता है जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष पाया जाता है, ग्रहण दोष पाया जाता है, गुरु चंडाल दोष पाया जाता है या पितृ दोष पाया जाता है। तो उन लोगों को धोखा बहुत बहुत ज़्यादा मिलता है। तीसरा चीज़, मन का अशांत रहना। बहुत बार क्या होता है कि हमारा मन बहुत अशांत रहता है, हमें रातों को नींद नहीं आती है, हम एक विचार को छोड़ ही नहीं पाते हैं, या हमारा मन रोने को करता है, हमारा मन कृपण हो जाता है, हम जो नेगेटिव
सोच में चले जाते हैं ना चाहते हुए भी। हम सृष्टि को नेगेटिव देखने लग जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल मित्रों कतई सत्य नहीं है। सृष्टि के अंदर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बस देखने की दृष्टि और सोचने की दृष्टि पर डिपेंड करता है। और हमारा मन सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव को देखता है, तो ऐसे में क्या होता है, हम कृपण हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ में ज़्यादा होता है, ये स्टडी बता रहा हूँ, जिनकी कुंडली के अंदर पितृ दोष पाया जाता है, काल सर्प दोष पाया जाता है, और कुंडली के अनुसार ग्रहण दोष पाया जाता है, तो आपके साथ में ये तीन घटनाओं में से एक घटना संभव है कि हो सकती है। अगर आपका जन्म 1970 से लेकर 1975 के बीच में हुआ है, तो इन दोषों में से एक दोष आपकी कुंडली में ज़रूर पाया जाएगा। यदि आपका जन्म 1980 से लेकर 1982 के अंदर हुआ है, तो पहली चीज़ आपको मानसिक तनाव और धोखा आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में या तो पितृदोष या काल सर्प दोष बनेगा। यदि आपका जन्म 1985 से लेकर और 1988 के बीच में हुआ है, तो 60% इस दोष का प्रभाव आप पे रहेगा। यदि आपका जन्म 1995 से लेकर 1997 के बीच में हुआ है मित्रों, तो आपके करियर और आपके रिलेशनशिप पे इसका गहरा प्रभाव होगा। आपकी कुंडली में या तो काल सर्प दोष पाया जाएगा, आप दिखा लीजिएगा, मेरी बात पे यकीन नहीं है तो किसी ज्योतिषी को आप दिखा लीजिएगा कि ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ, या पितृदोष आपकी कुंडली में बनेगा। यदि आपका जन्म 2000 से लेकर और 2002 के बीच में हुआ है, तो आपकी कुंडली में ये दोष बनेगा, याद रखिएगा। यदि आपका जन्म 2006 से और 2009 के बीच में बना है, तो भी यही दोष पाया जाएगा, या तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष होगा, या आपकी कुंडली में पितृ दोष होगा, या ग्रहण दोष होगा, इनमें से कोई ना कोई दोष पाया ही जाता है इन सन वालों के साथ में। तो अगर आपके साथ में ये जो प्रॉब्लमें चल रही हैं, चल ही रही होंगी, और नहीं चल रही तो बहुत अच्छा है, अगर चल रही है तो उसके उपाय क्या है। सबसे पहले एक मंत्र याद रखिएगा, ये मंत्र आपको को याद होना चाहिए, ओम नमः शिवाय मम कार्य सिद्धिम कुरु कुरु फट स्वाहा, यानी कि ओम नमः शिवाय मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा, ये मंत्र का जाप आपको, ये मंत्र आपको याद होना चाहिए। इससे आपको क्या करना है, नाग पंचमी के दिन या सावन के जो सोमवार होते हैं, उसमें आपको शिवलिंग पे अभिषेक करना है। और अभिषेक पे महत्व है कि हर एक वस्तु, जैसे आप दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, या अनार का रस, फलों का रस चढ़ाते हैं, तो उसका एक अलग महत्व है। और उसका महत्व क्या है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। यदि आपको आर्थिक रूप से कुछ परेशानी चल रही है, तो आप क्या करें, गन्ने का रस लेकर शिवलिंग पे चढ़ाएं, और शिवलिंग पे चढ़ाते चढ़ाते आप जो है बोले, ओम नमः शिवाय मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा, ये मंत्र का जाप करते हुए आप गन्ने का रस चढ़ाते रहें, ठीक है जी, इससे आपको फायदा होगा। अगर आपके वैवाहिक जीवन में या प्रेम विवाह करना चाहते हैं, या वैवाहिक जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, तो शहद से अभिषेक भोलेनाथ का करें, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। यदि आपके घर में कलेश रहता है, मेंबरों में कलेश रहता है, संतान आपकी बात नहीं मानती है, संतान के अंदर गलत संगत है, या पति के अंदर कोई गलत संगत है, उसको छुड़ाने के लिए आप जो है गन्ने का रस लेके, गन्ने का नहीं, सॉरी, यदि यदि आपकी संतान दुर्गति में चली गई है, या व्यसनी हो गई है, या हस्बैंड या रिलेशन में कोई दुर्गति प्राप्त हो गई है, आपके ऊपर मुकदमेबाजी या कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है, तो आप क्या करें, आप अनार का रस भोलेनाथ पे आपको चढ़ाना है, और ओम नमः शिवाय मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा, ओम नमः शिवाय मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा, ओम नमः शिवाय मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा, ये मंत्र का जाप आपको कम से कम अभिषेक करना है, 15 से 20 मिनट तक अभिषेक करते रहें, मंत्र का जाप प्रॉपर करते रहें,
एक या दो किलो अनार का रस जरूर ले जाएं। ठीक है जी, शहद ले जाएंगे तो शहद में पानी डाल के एक दो किलो कर लें। गन्ने का रस ले जाएंगे तो उसमें भी पानी डाल के एक दो कर लें, ताकि बूंद बूंद आप चलाते रहे और भोलेनाथ पे आपकी आवाज़ पहुँचे और भोलेनाथ से आपको कृपा प्राप्त हो। तो मित्रों, कैसे लगी ये कार्यक्रम आपको? अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबा दें। जय माता दी।